गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। जैसा कि हमारा अभी रनिंग चैप्टर जो है वह फंगाई है, और फंगाई में हमने कल मेथड ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को कंप्लीट किया था, और अब हमें फंगाई के जो अलग अलग डिवीजन हैं, पार्टिकुलरली फाइकोमाइसिट, एस्कोमाइसिट, बैक्टीरियोमाइसिट एंड ड्यूटेरोमाइसिट, उनके बारी बारी कैरेक्टर और उनके कुछ एग्जाम्पल के बारे में हम लोग को अब देखना है। तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे फाइकोमाइसिट। तो यह फंगाई का जो क्लास है यानी जो डिवीजन है यूमाइसिट्स का, फाइकोमाइसिट्स। फाइकोमाइसिट्स जो है वह एक लोअर फंगाई में आता है। फाइकोमाइसिट्स इसको हम लोग लोअर फंगाई कहते हैं, या इसी को हम लोग एल्गल फंगी भी कहते हैं। इस फंगाई में अप्रोक्सीमेटली 1500 स्पेसीज जो है वो इंक्लूड होते हैं। कितने? तो 1500 स्पेसीज इसमें इंक्लूड होते हैं। फाइटोमाइसिट जो है वो टेरेस्ट्रियल भी होता है, एक्वेटिक भी होता है, और एम्फीबियस नेचर का भी होता है। इवन कुछ जो होते हैं वो काऊ डंग के ऊपर भी होते हैं। काऊ डंग के ऊपर एस्कोमाइसिट भी होता है, लेकिन इसके कुछ रेयरली स्पेसीज हैं जो काऊ डंग के ऊपर भी होते हैं। तो दे लिव ऑन या दे आर टेरेस्ट्रियल, एक्वेटिक, टेरेस्ट्रियल, एक्वेटिक और सम स्पीसीज आर एम्फीबियस। एम्फीबियस मान लिया, आपको कंफ्यूजन हो रहा हो कि एम्फीबियस का मतलब क्या होता है, तो एम्फीबियस का मतलब हुआ कि जो पानी और जमीन दोनों पे रहे, दैट मीन्स कि जो एक्वेटिक भी है और टेरेस्ट्रियल भी है, जैसे जस्ट लाइक फ्रॉग दोनों नेचर शो करता है। तो यह एम्फीबियस कहने का मतलब कि फंगाई के कुछ जो स्पेसीज होते हैं वह एम्फीबियस होते हैं, मतलब दोनों में रह सकता है। तो सम स्पीसीज आर एम्फीबियस। उसके बाद देखो कि ये फाइकोमाइसिट जो होते हैं वो अपना मोड ऑफ न्यूट्रिशन कैसे पूरा करेंगे। तो मोड ऑफ न्यूट्रिशन यानी कि कुछ जो होंगे या तो यह पैरासिटिक होगा या सैप्रोफिटिक होगा। फिर आपको हम बता रहे हैं सैप्रोफिटिक का मतलब हुआ कि जो डेड और डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर के ऊपर ग्रो करे, या डेड और डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर से अपना एनर्जी पूरा करे, ठीक, तो उसको कहते हैं सैप्रोफिटिक। तो यह पैरासिटिक नेचर का होगा और सैप्रोफिटिक इन नेचर का होगा। तो पैरासिटिक भी हो सकता है और सैप्रोफिटिक भी हो सकता है। उसके साथ देखो इसमें अगर हम लोग रिप्रोडक्शन की बात करें, इसमें कौन सा रिप्रोडक्शन, तो रिप्रोडक्शन में अगर सबसे पहले हम लोग देखें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एस्पोरेंजियो, एस्पोर एंड कोनिडिया के थ्रू यह एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन शो करता है। और अगर जब बात करेंगे हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, तो यह आइसोगैमस एंड हेट्रोगैमस दोनों तरह का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन शो करेगा। आइसोगैमस का मतलब हुआ कि फ्यूजन ऑफ टू आइडेंटिकल मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर गैमेट, यहां फ्यूजन ऑफ टू सिमिलर गैमेट। और हेट्रोगैमस का मतलब फ्यूजन ऑफ
टू डिसिमिलर गैमेट, यानी दो अलग अलग डिसिमिलर गैमेट का फ्यूजन जब होगा तो उसको कहेंगे हम लोग हेटरोगैमस। ओके, तो आइसोगैमस एंड हेटरोगैमस का यह शो करता है। एक चीज जान जाए कि फाइकोमाइसिस के दो सब क्लास बढ़ते हैं। फाइकोमाइसिस जो क्लास हुआ तो ऑन द बेसिस ऑफ रिप्रोडक्शन, फाइकोमाइसिस आर इन टू सब क्लास। क्यों? माइसेलियम के बेसिस पर क्यों नहीं? तो माइसेलियम का मतलब इसका जो प्लांट बॉडी हुआ यानी कि जो फंगाई का बॉडी हुआ तो वह क्या होते हैं? वह एक्सेप्टेड होते हैं। तो इसीलिए यहां पर अगर जब हम लोग बात करेंगे इसके माइसेलियम की तो चाहे कोई भी क्लास हो इसका माइसेलियम लगभग सेम है। तो माइसेलियम कैसा होगा? तो इसका माइसेलियम जो होगा वह एक्सेप्टेड एंड सिनोसाइटिक। अब ये टर्म जो एक्सेप्टेड का मतलब आप जानते हैं कि मतलब हुआ कि उसमें मल्टी न्यूक्लिएटेड होगा, तो सिनोसाइटिक टर्म का मतलब वही हुआ। तो एक्सेप्टेड का मतलब कि क्रॉस वॉल यानी सेप्टा नहीं है, और सिनोसाइटिक का मतलब यह मल्टी न्यूक्लिएटेड होगा, यह मल्टी न्यूक्लिएटेड होगा। साथ ही साथ आप जानते हैं कि इसमें कोई फ्रूटनिंग बॉडी नहीं होती है। जैसे यहां पर फ्रूटनिंग बॉडी कहने का मतलब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए, जैसे एस्कोमाइसिस में हम लोग देखेंगे एक वॉल का फॉर्मेशन हो जाता है उसको कहते हैं फ्रूटनिंग बॉडी, और उसी फ्रूटनिंग बॉडी के अंदर में स्पोर बनेंगे सेक्सुअली। तो इस तरह का इसमें कोई फ्रूटनिंग बॉडी नहीं बनता है। नो फ्रूटनिंग बॉडी। तो यहां पर ये जो हम लोग देख रहे हैं कि ऑन द बेसिस ऑफ रिप्रोडक्शन दो क्लास में बढ़ता है, तो कौन कौन से टू क्लास में? एक होगा ओमाइसिस और दूसरा होगा जाइगोमाइसिस। ओमाइसिस का जो सेक्सुअल ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वह है एस्पोरेंजियो एस्पोर एंड कॉनिडिया एसेक्सुअल का। जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करेंगे इसी में रिप्रोडक्शन को शॉर्ट में इस तरह से लिख देते हैं, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की अगर बात करेंगे हम लोग इसमें किसमें? ओमाइसिस में। जाइगोमाइसिस का भी बता रहे हैं, तो पहले ओमाइसिस अगर देख रहे हैं तो पहले एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एस्पोरेंजियो एस्पोर एंड कॉनिडिया के थ्रू हो गया, ठीक है ना? ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इसके थ्रू, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अगर इसमें हम लोग बात करेंगे तो गैमेटेंजियल कॉन्टैक्ट के थ्रू इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। किसके थ्रू? तो गैमेटेंजियल कॉन्टैक्ट। गैमेटेंजियल कॉन्टैक्ट के थ्रू, ठीक है। अगर जाइगोमाइसिस की बात करेंगे तो जाइगोमाइसिस में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन या कॉनिडिया के थ्रू, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की अगर बात करेंगे हम तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इसमें गैमेटेंजियल पॉपुलेशन। तो हम लोग ये देख चुके हैं कि गैमेटेंजियल पॉपुलेशन एंड गैमेटेंजियल कॉन्टैक्ट के बीच में क्या डिफरेंस होता है। तो एक में फर्टिलाइजेशन ट्यूब का फॉर्मेशन होगा और दूसरे में फर्टिलाइजेशन ट्यूब का फॉर्मेशन नहीं होता है।
तो ये दोनों चीज आपको ध्यान में रखना है। तो इसी के बेसिस पर ये जो फाइकोमाइसिस हैं उसके टू सब क्लास होते हैं। तो एक हो गया ओमाइसिस और दूसरा हो गया जाइगोमाइसिस। तो इतने इंपॉर्टेंट बात जो है हमें इसमें फाइकोमाइसिस में जानना है। अब फाइकोमाइसिस के कुछ इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है और उससे रिलेटेड होने वाले प्लांट में डिजीज जो एक ज्यादातर एग्जाम में पूछा जाता है, तो उसको थोड़ा सा आपको माइंड में याद करके चलना है कि ये हमें किससे क्या रिलेटेड है। जैसे राइजोपस और म्यूकर को हम लोग ब्रेड मोल्ड बोल देते हैं। फाइटोपथोरा इन्फेस्टेंस, नाम थोड़ा अलग अलग रहेगा, लाजवाब के नाम रहेंगे। और अगर आपको नाम याद नहीं होता है तो दो चार अपने फैमिली मेंबर का पकड़ो और उसका नाम ही रख दो। मान लो कि कोई फैमिली में छोटी बहन है, उसका नाम ही रख दो फाइटोपथोरा इन्फेस्टेंस। तो फाइटोपथोरा इन्फेस्टेंस जो है वह लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो डिजीज, यानी पोटैटो में एक डिजीज करता है। तो वैसे वैसे किसी का भी नाम रख दो, उसको दो चार बार उस नाम से बुलाओगे आपको वो नाम याद हो जाएगा, ठीक है। तो साथ ही साथ जो एनसीईआरटी के जो एग्जांपल हैं वो भी हमने इसको साथ में लेके चलना है। तो हम एक जगह ब्रैकेट में इन सारी चीजों को देखेंगे। तो यहां तक अगर हो गया तब हम लोग कुछ फाइकोमाइसिस के एग्जांपल को लेके चलेंगे। ओके, चलिए अच्छा है, थोड़ा सा आप लोग ये चीज को ध्यान में रखते चलें। ओके, अब आइए तो कुछ नाम है और एग्जाम्पल और रिलेटेड डिजीज। थोड़े से इसके नाम को हम लोग लिखेंगे। चलिए आइए इसको एक जगह मैं कलेक्ट करके आपको देता हूं। दोनों के कुछ एग्जांपल को एक जगह कलेक्ट किया है। जैसे अभी हमने बोला था राइजोपस एंड म्यूकर, इसको बोलते हैं हम लोग ब्रेड मोल्ड। सेकेंड में फाइटोपथोरा इन्फेस्टेंस, इन्फेस्टेंस लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो या डिजीज है लेट ऑफ पोटैटो। अल्बुगो कैंडिडा और सिस्टोपस कैंडिडस, ये सब नाम को आपको याद रखना होगा, ठीक है। सिस्टोपस कैंडिडस व्हाइट रस्ट डिजीज, तो इससे रिलेटेड जो है वह है व्हाइट रस्ट डिजीज ऑन क्रूसीफर, व्हाइट रस्ट डिजीज ऑन क्रूसीफर। फाइटियम डिबेरियना PHYTHIUM DEBRYA डिबेरियना
डैम्पिंग ऑफ डिजीज, डैम्पिंग ऑफ डिजीज, डैम्पिंग ऑफ डिजीज, ऑफ डिजीज इन टोबैको, डैम्पिंग ऑफ डिजीज इन टोबैको। प्लाज्मोपारा विटिकोला, पारा विटिकोला, डॉनी मिल्डो डिजीज, डॉनी मिल्डो डिजीज और ग्रेप्स। सैप्रो लेग्निया पारासिटिका, ये जो सैप्रोलेग्निया पारासिटिका है वो फीस के गिल्स में जाके गोल ग्रोथ करता है, और एक सैल्मन डिजीज जो है उसका प्रोडक्शन सैल्मन डिजीज काउज कराता है फीस में। तो ये ग्रो ऑन गिल्स ऑफ फिश एंड कॉज सैल्मन डिजीज। ट्राइकम इंडोबायोटिकम, इंडोबायोटिकम ब्लैक वॉट डिजीज ऑन पोटैटो, ब्लैक वॉट डिजीज ऑन पोटैटो। ठीक है, तो ये थोड़े से कुछ कॉमन एग्जांपल हैं जिसे आपको याद में रखना है, इनसे रिलेटेड सारी बातों को। ये इसके बारे में है, ये बात थोड़ा सा आप इस तरह से। तो राइजोपस एंड म्यूकर, अब एक्चुअली ध्यान रखो कि जैसे एनसीईआरटी है, एनसीईआरटी में तीन एग्जांपल कॉमन दिया है जो खास करके फाइकोमाइसिट्स में, तो जैसे राइजोपस है, म्यूकर है एंड अल्बुगोर है। ठीक है, तो उसको राम से याद रखो। क्या हम आपको सभी क्लास के भी एनसीईआरटी के एग्जाम्पल को शॉर्ट ट्रिक में याद रखने के लिए बताते चलेंगे। जैसे यहां पर फाइकोमाइसिट को आप किस में याद रखो, तो राम से याद रखो, यानी राइजोपस अल्बुगो एंड म्यूपर। क्या क्या, राइजोपस अल्बुगो एंड म्यूपर, ये तीनों एग्जांपल एनसीईआरटी में दे रखा है। ऐसे तो ये सारा एग्जांपल आपको मैंने यहां पर दे रखा है, ये सभी जो है वह फाइकोमाइसिट के एग्जांपल है। राइजोपस म्यूकर फाइटोफ्थोरा इंफेस्टेंस अल्बुगो, अल्बुगो स्पेसीज हुआ और यह कैंडिडा अल्बुगो जीनस हुआ और कैंडिडा स्पेसीज हुआ। सिस्टोपस के स्पेसीज में बहुत सारे जीनस में बहुत सारे स्पेसीज हैं, फाइटियम जीनस में बहुत सारे स्पेसीज हैं, प्लाज्मोपारा के जीनस में बहुत सारे हैं। तो ये पार्टिकुलर स्पेसीज नेम हुआ, इधर जीनस नेम हुआ। ठीक है,
तो इस तरह से फाइकोमाइसिस के बारे में हम लोगों ने कंप्लीट ये सारी चीजों को देखा। अब हम लोग देखेंगे एस्कोमाइसिस को, ठीक। तो नाउ योर हेडिंग इज एस्कोमाइसिस। तो इसी तरह एस्कोमाइसिस में भी मैं आपको इस तरह से एग्जांपल बना करके दूंगा, ठीक है। ये हुआ हमारा दूसरा जो क्लास है वह है एस्कोमाइसिस। फाइकोमाइसिस कंप्लीट किया, उसके बाद एस्कोमाइसिस, तब हम देखेंगे बैसिडियोमाइसिस एंड लास्ट देखेंगे ट्यूटेरोमाइसिस। एस्कोमाइसिस जो है वह एक हायर फंगाई है। कैसा है यह? हायर फंगी है। और इस हायर फंगी में एस्कोमाइसिस को हम लोग बोलते हैं सैक फंगी, ठीक। तो यह हायर फंगी है और इस हायर फंगी में लगभग 15,000 स्पेसीज इंक्लूड होते हैं, ओके। ये कहां कहां है? तो यह मोस्टली टेरेस्ट्रियल होता है और कुछ एक्वेटिक भी होते हैं। अगर इसमें देखा जाए तो ये कौन कौन सा? तो यह पैरासिटिक, सैप्रोफिटिक, फिटिक, इन नेचर एंड सम आर ग्रो ऑन डंग। डंग का मतलब गाय का गोबर, गाय का जो डंग होता है, काउ डंग जिसे बोलते हैं, वो शायद आप लोग ना जानते हो। उपला वगैरह, पहले खाना उपले वगैरह में बनाया जाता था। उपला क्या होता है मुझे नहीं पता है, महाराष्ट्र में इसको क्या कहते हैं, ठीक है, बट हमारे तरफ उसे उपला वगैरह कहा जाता है। और इसमें अच्छे अच्छे जैसे कुछ बैंगन का भत्ता शायद आप लोग ना जानते हो, लेकिन हम लोग जानते हैं, बहुत अच्छे से बनता है इसमें आग लगा करके। तो ये वहां भी ग्रो करता है काउ के डंग पे, एंड सम आर ग्रो ऑन काउ डंग। तो कहां? काउ के डंग पे होगा। सम आर ग्रो ऑन काउ डंग, सो इट कॉल्ड। तो उसको हम लोग, जो काउ के डंग के ऊपर ग्रो करता है उसको कहते हैं कॉप्रोफिलस। जो काउ के डंग में ग्रो करेगा उसको क्या कहेंगे? कॉप्रोफिलस कह देंगे। माइसेलियम जो होता है उसका सेप्टेड एंड ब्रांच होता है विद सिंपल सेप्टा पोर के साथ। जैसे अभी फाइकोमाइसिस में क्या देखे थे? फाइकोमाइसिस का हम लोग देखे थे कि उसका माइसेलियम एसेप्टेड है, यानी सेप्टा नहीं था, क्रॉस वॉल नहीं है, यहां पर सेप्टा होता है। माइसेलियम इज सेप्टेड ब्रांच विथ सेप्टा पोर। सेप्टा पोर के बारे में पहले भी हम लोग बता चुके हैं कि सेप्टा पोर जो है वो क्या काम करता है, जब प्रोटोप्लाज्मिक कंटेंट को आपस में मेंटेन, यानी दो अलग अलग सेल का जो प्रोटोप्लाज्मिक कंटेंट है उसको मेंटेन करके रखने का काम करेगा कौन? तो वह सेप्टा पोर करता है। ये जनरली मल्टी सेलुलर होते हैं। इसके मेंबर जो होंगे, मेंबर आर मल्टी सेलुलर। सभी के मल्टी सेलुलर ही होते हैं, लेकिन कुछ एक्सेप्शनल ऐसे हैं जो यूनिसेलुलर होता है, जैसे ईस्ट। पहले जो हम लोग देखे थे तो ईस्ट जो है वो इसी क्लास से बिलोंग करता है। किस क्लास से? तो एस्कोमाइसिस के क्लास से बिलोंग करता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है इसमें। तो मेंबर आर मल्टी सेलुलर, रेयरली यूनिसेलुलर, जिसका एग्जांपल है कौन? तो ईस्ट है, ठीक है। तो मेंबर आर मल्टी सेलुलर, रेयरली यूनिसेलुलर एग्जांपल ईस्ट है। उसके बाद में देखिए एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, या मतलब रिप्रोडक्शन की अगर बात करें हम लोग,
तो इस चीज को थोड़ा हम ऊपर लिखेंगे, हो गया होगा उम्मीद है आपका। देखिए तो अगर हम लोग इसमें ये रिप्रोडक्शन की बात करें तो रिप्रोडक्शन जो है वो इसमें कैसा होगा, तो अगर सबसे पहले बात करते हैं हम लोग एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, जैसे आप फाइकोमाइसिस में देखते थे, फाइकोमाइसिस में कौन सा एस्पोरेंजियो एस्पोर और कोनिडिया से एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रहा था, उसी तरह यहां पर ये कोनिडिया से सेक्सुअल एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है। और जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात होगी तो सोमेटोगैमी एंड गैमेटेंजियल कॉन्टेक्ट के थ्रू करेगा। तो ये हो गया एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाई यानी कोनिडिया, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की अगर बात कर दिए कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसा होगा, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होगा सोमैटो गैमी एंड गैमेटेंजियल कॉन्टैक्ट के थ्रू, ठीक है। तो गैमेटेंजियल कॉन्टैक्ट के थ्रू सोमैटोगैमी एंड गैमेटेंजियल कॉन्टैक्ट के थ्रू ये करेगा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। देखिए थोड़ा सा इसके सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को हम लोग डायग्रामेटिकली समझने की कोशिश करेंगे कि यह इस तरह से क्यों, क्योंकि जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है इसमें तो एक स्ट्रक्चर बनता है एस्कस या एस्कोस्पोर, तो उसी चीज को समझने के लिए आप हम आपको डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंट करेंगे। तो हम क्या कह रहे हैं, एस्को एस्पोर यानी कि एस्को एस्पोर एंड एस्कस एंड एस्कस एस्कस आर formed in fruiting body as to carp, formed in fruiting body as to carp। अब इसमें से कोई बात अभी समझ में नहीं आ रहा होगा, एस्को एस्को या एस्कस, ठीक है, और ये दोनों जो है वो बनते हैं किसमें, तो एक फ्रूटनिंग बॉडी होता है और इसी फ्रूटनिंग बॉडी का नाम है एस्को कार्प। तो ये तीन चीज को यहां पर देखिए, एस्को एस्पोर, एस्कस और एस्को कार्प, ये तीनों चीज क्या है, तो हम डायग्रामेटिकली इसको आपको समझा रहे हैं, तुरंत ये चीज आपको समझ में आएगा। देखिए स्ट्रक्चर से हम लोग देखेंगे यहां पर मान लीजिए कि यह एक माइसेलियम का हाइफी है और यह दूसरे माइसेलियम का हाइफी है, दोनों माइसेलियम आपस में फ्यूजन के लिए कांटेक्ट में आए, ये दोनों ये इसका न्यूक्लियस है, इसका न्यूक्लियस है, ठीक, अब ये दोनों फ्यूज करके एक इस तरह का स्ट्रक्चर बना लिए, दो न्यूक्लियस बन गया इसके अंदर और
एक इस तरह का स्ट्रक्चर ये बना लिया, ठीक है। उसके बाद में ये दोनों न्यूक्लियस यानी डाइकारियन हो गया, दो न्यूक्लियस है तो डाइकारियन, ठीक। दोनों न्यूक्लियस आपस में फ्यूज करेंगे, बोथ न्यूक्लियस विल बी फ्यूज। पहले दोनों का प्रोटोप्लाज्म फ्यूजन हुआ, न्यूक्लियस दो है लेकिन प्रोटोप्लाज्म क्या हो गया, एक हो गया दोनों का मिलके। अब दोनों न्यूक्लियस है तो फ्यूजन ऑफ न्यूक्लियस, तो यानी फ्यूजन ऑफ न्यूक्लियस का मतलब आप क्या कह सकते हैं, कारियोगैमी। और यहां पर फ्यूजन ऑफ ये हुआ तो क्या कह सकते हैं, प्लाज्मोगैमी। तो क्या होता है प्लाज्मोगैमी, क्या होता है कारियोगैमी, बहुत डिटेल हम लोग देखे हैं। अब उसके बाद ये जो स्ट्रक्चर होगा, ये दोनों स्ट्रक्चर फ्यूज करके और यहां पर अब ये एक सिंगल न्यूक्लियस बन गया, ठीक। न्यूक्लियस जब सिंगल बन गया, इसमें उसके बाद में अब इसमें मियोसिस होगा। तो मियोसिस कहीं पर भी होता है तो आप जानते हो कि फोर हैप्लोइड सेल बनेंगे, फोर हैप्लोइड सेल। मियोसिस माइटोसिस क्या होता है, इसके बाद के जो चैप्टर इसलिए स्टार्ट होंगे वो आपको सेल और सेल डिवीजन पहले करा देंगे। तो सेल और सेल डिवीजन के चैप्टर में आपको ये पूरा का पूरा डिटेल आएगा कि आखिर सेल क्या है, और सेल है तो सेल में डिवीजन कैसे होता है, ओके। तो ये जो मियोसिस करेगा तो यहां पर इसमें ये फोर न्यूक्लियस बन गए, ठीक है। मियोसिस हुआ तो कितने न्यूक्लियस, टोटल फोर न्यूक्लियस का फॉर्मेशन हो गया मियोसिस हुआ तो। तो मियोसिस अगर होने के बाद आपको पता है कि कोई भी न्यूक्लियस जो बनेगा वो न्यूक्लियस कैसा होगा, वो हैप्लॉयड होगा या फिर डिप्लॉयड होगा। तो ये बात आपको ध्यान में रखना है कि कभी भी मियोसिस होता है तो उसके बाद वह हैप्लॉयड न्यूक्लियस का फॉर्मेशन होता है। और इस तरह से जो आप स्ट्रक्चर देख रहे हैं, दिस इज द फंगल माइसेलियम। और ये कैसा, तो ये न्यूक्लियस अब कैसा हो गया था जिसमें मियोसिस हुआ है, तो कभी भी मियोसिस जो है वह डिप्लॉयड में होता है, तो ये डिप्लॉयड न्यूक्लियस हो गया। डिप्लॉयड न्यूक्लियस क्यों हुआ, क्योंकि यहां पर दो हैप्लॉयड न्यूक्लियस हैं, दोनों फ्यूज किए तो यह डिप्लॉयड न्यूक्लियस, और तब डिप्लॉयड न्यूक्लियस में मियोसिस हुआ तो वह फोर हैप्लॉयड न्यूक्लियस का फॉर्मेशन हो गया। तो यहां पर और इसी स्ट्रक्चर को, ये जो इस तरह का स्ट्रक्चर बना है अंदर में, इसको कहते हैं एस्कस। ये क्या हो गया, एस्कस। अब यही क्या करेंगे, ये सभी जो है वह माइटोसिस करेगा। अब माइटोसिस क्या होता है, तो एक न्यूक्लियस या एक सेल डिवाइड करके दो सेल में बनते हैं। माइटोसिस का मतलब कोई भी एक सेल, चाहे वो हैप्लॉयड सेल हो या डिप्लॉयड सेल हो, माइटोसिस करेगा तो दो सेल में बट के बनेगा, दो सेल बनाएगा, एक सेल डिवाइड करके दो सेल बनेंगे। तो यहां पर चार है तो चार से बट के आठ बनेगा, फिर आठों के आठ अगर डिवाइड करेंगे माइटोसिस करेंगे तो 8 से 16, 16 से 32, 32 से 64, इस तरह से मल्टीप्लाई होकर जस्ट डबल में होते चले जाएंगे। तो यहां पर अब ये माइटोसिस करके और इस तरह का एक स्ट्रक्चर बनाएगा, एक पफ के बॉल की तरह, और इस पफ के बॉल में ये इस तरह से बनेगा। तो ये जो हुआ, जो अभी आप इस तरह से देख रहे थे, दिस इज द
एस्कस। तो ये इस तरह से ये क्या हो गया, ये एस्कस हुआ, यह फंगल माइसेलियम, और इसी पूरे स्ट्रक्चर को हम लोग कहते हैं एस्को कार्प यानी रूटनी बॉडी। और चूंकि इसमें एस्को कार्प या एस्कस बनता है इसीलिए इसको कहते हैं एस्कोमाइसिस। अब ये जो यहां पर ये जो है स्पोर और इसके अंदर जो ये बना है, ये दिस इज द स्पोर, ये वाला पार्ट, ये सभी स्पोर है। अब स्पोर बाहर आएगा, ठीक है, और यही स्पोर जर्मिनेट करके फिर न्यू माइसेलियम बन गया है। जर्मिनेशन हुआ, दिस इज द स्पोर, ये स्पोर जर्मिनेट करके फिर से यही माइसेलियम हो गया। तो इस तरह से साइकिल जो है चलता रहेगा इसके रिप्रोडक्शन का, क्लियर। अब ये बात थोड़ा सा आप यहां पर समझो, तो ये जो हुआ स्ट्रक्चर दिस इज द एस्कोकार्प। तो एस्कोमाइसिट्स में एस्कस एंड एस्कोकार्प का, एस्कोकार्प मतलब फ्रूटनिंग बॉडी, फ्रूटनिंग बॉडी का जिस मतलब हुआ कि जिसके अंदर स्पोर बना, तो ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर के अंदर ही क्या बना, स्पोर बना, और इसी फ्रूटनिंग बॉडी का नाम क्या हो गया, एस्कोकार्प हुआ। तो ये बात ध्यान में रखिए, तो यहां पर ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ एस्कोकार्प एंड एस्कस, फ्रूटनिंग बॉडी इट इज नोन एज, तो किस चीज से जाना जाता है, तो ये जाना जाता है एस्कोमाइसिस। इसीलिए इसको किस नाम से जानते हैं, तो इसको एस्कोमाइसिस से जानते हैं। और इसी फ्रूटनिंग यानी एस्कोकार्प के बेसिस पर, ये जो एस्कोकार्प यानी इस तरह का जो एस्कोकार्प बना है, इसी एस्कोकार्प के बेसिस पर जो एस्कोमाइसिट्स हैं, यानी कि जो एस्कोकार्प है, उस एस्कोकार्प के तीन टाइप होते हैं, ठीक है। तो उसके तीनों टाइप को हम लोग देखेंगे उसके स्ट्रक्चर के बेसिस पर। तो कोई जैसे यहां पर हम लोगों ने पफ बॉल की तरह बनाया है, एक बॉल लाइक स्ट्रक्चर है, कोई फ्लाक्स शेप का बनेगा, तो इसी के स्ट्रक्चर के बेसिस पर ये जो एस्कोकार्प है वो थ्री टाइप्स के होते हैं। तो एक होता है एपिथेसियम, प्लीटोगैमस, ये इस तरह से, हम क्या कर रहे हैं, तो थ्री टाइप्स ऑफ एस्कोकार्प, एपोथेसियम, पेरिथेसियम और प्लीटोथेसियम। टाइप एस्कोकार्प, और यही एस्कोकार्प है, तो ये थ्री टाइप्स के होते हैं, एक हो गया एपोथेसियम, सेकेंड वन पेरिथेसियम, थर्ड वन प्लीस्टोथेसियम। एपोथेसियम जो होते हैं वो ओपन एंड कप शेप का होता है, चाय पीने वाली जो कप इस तरह का होते हैं ना, तो उस तरह का यह ओपन एंड कप शेप का होगा। पेरिथेसियम फ्लास्क शेप का, एंड क्लिस्टोथेसियम जो होगा वो बॉल शेप का, फ्लास्क शेप और क्लिस्टोथेसियम
बॉल शेप के। तो ये इस बेसिस पर ये जो है वो पूरा के पूरे तीन टाइप में बटे हैं। तो ये पूरा का पूरा आपको ये जो है थोड़ा सा साइकिल इस तरह का जो है ना वो आपको थोड़ा याद रखना पड़ेगा कि हाँ ये याद रखने का मतलब समझ जाइए चीजों को। आपको बार बार फंगाई में जो है वो क्या है, माइसेलियम सेप्टेड एसेप्टेड हाइफी फ्रूटनिंग बॉडी, फिर उसके बाद जैसे बैसिडियो माइसिट में आएंगे तो बैसिडियो कार्प का फॉर्मेशन होता है, एस्कोमाइसिट में एस्कोकार्प का फॉर्मेशन होता है। तो इसके बेसिस पे थोड़ा सा आपको ये सब चीजें जो है ध्यान में रख के चलना पड़ेगा। अब जैसे हम लोगों ने फाइकोमाइसिस के कुछ एग्जांपल देखे थे, उसी तरह हम लोग कुछ एस्कोमाइसिस के एग्जांपल को ध्यान में रख के चलना है। ये हो गया होगा, उम्मीद है आपका नोट डाउन हो गया है सभी लोगों का। तो अब हम इसको मिटा के आगे बढ़ते हैं। आप भी सोचते होंगे कि ये क्या फंडा है बायोलॉजी में, क्या क्या चीज याद रखना पड़ता है। याद तो सभी में रखना होता है, याद तो हमें जैसे आप हर एक मूवी का नाम और उस मूवी में कौन सा हीरो काम किया है, कुछ लोगों को ए टू जेड चीज याद होता है। तो उसी तरह आप इसको समझ लो, एक पैसन बना लो कि हमें इन सब चीजों को याद रखना है। और भूलना तो स्टूडेंट का और टीचर का जन्मसिद्ध अधिकार है। भूलोगे कब, जब कोई चीज पढ़ोगे, और जो पढ़ेगा नहीं उसको भूलने की कोई जरूरत ही नहीं है, वो मस्त बिंदास है इसी तरह। तो अगर आपको पढ़ना है तो ही भूलोगे। तो अगर लगता है कि मैं भूल जाता हूँ, बच्चे फ्रस्ट्रेट होने लगते हैं, अरे मैं बार बार भूलता हूँ, बार बार भूलते हैं कब, जब आप बार बार पढ़ते हैं। और जो बिंदास मस्त खा के सोया पड़ा है वो क्या भूलेगा, वो याद ही नहीं किया था तो भूलेगा कहां से। तो आप इस तरह के चीजों में नहीं है, पेशेंस रखिए, याद होगा, आज नहीं तो कल होगा, ठीक है ना। कभी कभी क्या होता है कि एग्जाम में हम चीजों को पढ़े रहते हैं और एट ए टाइम याद नहीं होता है, लेकिन जब उसके कुछ ऑप्शन देखते हैं तो दिमाग क्लिक करता है, ये पढ़ा था। तो ये कब आता है, जब एक बार भी कम से कम पढ़ा होगा तब तो दिमाग में आएगा ना। चोरी करने के लिए मतलब नकल करने के लिए भी अकल की जरूरत होती है। आपको ये भी नहीं पता कि ये टॉपिक कहाँ का है, कौन से चैप्टर का है, तो कहां से नकल होगा। तो किसी भी चीज करने के लिए पहले मेहनत करना पड़ता है, पहले मेहनत स्टार्ट करो, ठीक है। तो अच्छे से इस चीज को करते चलिए। अब देखेंगे हम लोग इसमें कुछ एग्जांपल और उससे रिलेटेड कुछ डिजीज को, जैसे हम लोगों ने उसमें देखा था। ओके, पेनिसिलियम, देखिए पेनिसिलियम, एक पेनिसिलियम नोटेटम करके पूरा स्पेसिस का नाम है, और ये पहला ऐसा स्पेसिस था जिससे हमें फर्स्ट एंटीबायोटिक डिस्कवरी हुई थी अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के थ्रू, और वही पेनिसिलियम नोटेटम स्पेसिस था जिससे हमें यह एंटीबायोटिक्स मिला था, ठीक है। तो आपको ये ध्यान में रखना है, पेनिसिलियम को हम लोग ब्लू और ग्रीन मोल्ड भी कहते हैं। तो यहां पर पेनिसिलियम पी नोटेटम का मतलब पेनिसिलियम नोटेटम, पेनिसिलियम नोटेटम से हमें क्या मिलता है, तो पेनिसिलिन एंटीबायोटिक्स। एंटीबायोटिक्स सबसे पहले किसने डिस्कवर किया था, डिस्कवर्ड बाय अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। नाउ पेनिसिलिन ऑब्टेन फ्रॉम, अब कहां से हम लोग पेनिसिलिन को लेते हैं, नाउ पेनिसिलिन ऑब्टेन फ्रॉम पी यानी
पेनिसिलियम क्रिसोजेनम, पेनिसिलियम क्रिसोजेनम पी कैमेम्बर्टी एंड पी रॉकीफोर्टी एंड पी रॉकीफोर्टी चीज मेकिंग में यूज होता है। इसमें तो चीज मेकिंग में। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग एस्परजिलस। ठीक है, एस्परजिलस प्रोलीफेरंस ये प्रोलीफेरंस प्रोड्यूस प्रोलीफेरिंग एंटीबायोटिक्स ए फ्यूमिगेटस, ए फ्यूमिगेटस काउज एस्परजिलोसिस सिस ब्रीडेड इन कैटल एंड ह्यूमन। ओके, फिर है एस्परजिलोसिस फ्लेवस। एस्परजिलोसिस फ्लेवस प्रोड्यूस टॉक्सिन कंपाउंड एफ्लेक्टोक्सिन, प्रोड्यूस टॉक्सिन एफ्लेक्टोक्सिन, एफ्लेक्टोक्सिन क्लेविसेप। क्लेविसेप में क्लेविसेप परफ्यूरिया इल्गोट डिजीज कॉज क्या करता है, इल्गोट डिजीज इन बाजरा राई एंड व्हीट प्लांट में। तो इस तरह से ये एस्परजिलस जीनस हुआ। एस्परजिलस में ये अलग अलग स्पेसीज का रोल, फ्यूमिगेटस फिर फ्लेवस यानी एस्परजिलस फ्लेवस, और ये हो गया क्लेविसेप का, तो क्लेविसेप का ये स्पेसीज क्लेविसेप परफ्यूरिया। तो क्लेविसेप परफ्यूरिया क्या करता है, इल्गोट डिजीज इन राई बाजरा एंड व्हीट में, और इल्गोटिन ड्रग, इल्गोटिन ड्रग भी इसी से आता है। तो एक ड्रग है इल्गोटिन, इल्गोटिन ड्रग ऑब्टेन फ्रॉम एलएसडी यानी लिसर्जिक एसिड डाइइथैलामाइड, इसी को कहते हैं एलएसडी लेसर्जिक एसिड डाइइथैलामाइड। ठीक है, एक है मॉर्फेला,
अब ये अलग जीनस हुआ। मॉर्फिला जो है वो एक एडिबल फंगाई है, इसीलिए इसे मॉरल भी कहते हैं। मॉरल एंड टफल बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, बार बार पूछता है मॉरल कौन सा फंगाई है, टफल कौन सा फंगाई है, ठीक है ना। तो मॉर्फिला एडिबल फंगस, एडिबल फंगस नोन एज मॉरल्स, उसी को क्या कहते हैं हम लोग मॉरल्स कहते हैं। फिर है न्यूरोस्पोरा, बस दो तीन और एग्जांपल हैं, उसके बाद ये है न्यूरोस्पोरा। न्यूरोस्पोरा को हम लोग ऑल्सो नोन एज ड्रोसोफिला ऑफ प्लांट किंगडम, यानी ड्रोसोफिला क्या है, ड्रोसोफिला एक छोटा सा एनिमल, यानी इसे फ्रूट फ्लाई भी कहते हैं। तो ड्रोसो एनिमल से रिलेटेड कोई जेनेटिक कोई भी जेनेटिक का हमें रिसर्च करना होता है तो ड्रोसोफिला पे करते हैं, और अगर प्लांट से रिलेटेड कोई जेनेटिक चीज हमें रिसर्च करना होता है तो वो इस पे न्यूरोस्पोरा पे ज्यादा करते हैं। न्यूरोस्पोरा कहा होता है, ऑल्सो ऑन बर्न वुड। उसके बाद में है एरिसिफेल, स्पेसीज ये होता है पाउडरी मिल्डो डिजीज, पाउडरी मिल्डो डिजीज इन पी प्लांट। और इसके बाद में है फिला टीना, फिलैक्टिनिया स्पेसी या पाउडरी मिल्डो डिजीजी सीसम। सीसम एक वुड प्लांट है तो उसमें पाउडरी मिल्डो डिजीज कौन करता है, तो ये फिलैक्टिनिया स्पेसीज करता है। और इसमें ये इन पी प्लांट में या क्रूसीफर्स में भी एरिसिफे ही करता है, इन पी एंड फर्स। इसके बाद में साइक्लोमाइसिस सेरिबेसी यानी ईस्ट, दिस इज द ईस्ट, और इसका यूज फर्मेंटेशन है। तो इतने जो है वो रिलेटेड स्पेसिस जो है वो या एग्जाम्पल जो है वो एस्कोमाइसिट्स के हैं, और ये एस्कोमाइसिट्स और फाइकोमाइसिट्स थोड़ा सा आपको याद रख के चलना है जिससे आपको थोड़ा सा पता रहे। तो ये सारे इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल एक जगह हो गया और उससे रिलेटेड होने वाले डिजीज भी हो गए। तो हमारा फाइकोमाइसिट्स एंड एस्कोमाइसिट जो है वो कंप्लीट हुआ। इसके बाद में है बैसिडियोमाइसिट्स एंड ड्यूकेरोमाइसिट्स, जिसे अब हम आगे देखेंगे। तो ये थोड़े से इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल आपको याद में रख के चलना है इससे होने वाले रिलेटेड डिजीज को, जैसे एल्गोट डिजीज हुआ, ठीक है, एस्परजिलोसिस हुआ, या फाइटोप्थोरा इन्फेस्टेंस फाइटोमाइसिस में आया था, ये सब डिजीज हमेशा पूछता है। तो मेन ये चीज आपको बहुत अच्छे से याद रखना होगा। ओके।